फाइनली वीजा आ गया, तो तुहानू किद्दां दा लग रहा? मैम मैं बहुत ज्यादा खुश हाँ, क्योंकि मेरी दो रिफ्यूजल पहला आई हुई सी, एक कैनेडा ते एक यूके तो 5 ईयर्स का गैप भी सगा, तो करके कोई होर एजेंट लैंता नहीं सी, रिफ्यूजल करके यूके तो सी जी कि विजन ग्रुप फिर असी विजिट किया, तो इन्होंने बहुत वधिया तरीके मेरा वीज़ा लगवा के दिता। फिर सर ने कॉन्टैक्ट किया, बट ये कहते कि नहीं तुहाडा हो जूगा वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि मेरे अगे परसेंटेज वगैरह सारी वधिया सी, तो इस करके फिर असी इतने अपलाई करता। सर ने पूरा ट्रस्ट किया, सर कहते कि तुहाडा वीज़ा जरूर आऊगा। पहला मैं सिगा डर के गैप करके हो सकता है रिफ्यूजल ना आ जाए, बट मैम कहने कि नहीं, इन्होंने पूरा क्लीयर करवाता, पूरे लीगल तरीके क्लीयर करवाया, तो करके मेरे कोई इदा का फिर होया नहीं है, तो वीज़ा आ गया फिर मेरे को। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस, ते अज असीं फिर हाजिर होए हाँ विजन ग्रुप के तुहाडे बाहर जाण की आस नूं जगाउण लई। हैलो मैम। हैलो मैम। मैम पहला तो थोड़ा बहुत बहुत मुबारक, थोड़ा फाइनली वीज़ा आ गया, तो थोड़ा किद्दां दा लग रहा? मैम मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ, क्योंकि मेरी दो रिफ्यूजल पहला आई हुई सी, एक कैनेडा तो एक यूके तो, हूँ थर्ड टाइम अपलाई किया, हूँ मेरा वीज़ा लग गया, विजन ग्रुप वाले ने मेरा वीज़ा लगवाता, तो मेरा 5 ईयर्स का गैप भी सगा, तो करके कोई होर एजेंट लैंता नहीं सी, रिफ्यूजल करके यूके तो सी जी कि विजन ग्रुप फिर असी विजिट किया, तो इन्होंने बहुत वधिया तरीके मेरा वीज़ा लगवा के दिता, 3 मंथ्स लगवाता एंड 5 डेज मेरा वीज़ा आ गया। पहले तो सानू ये दसो भी थानू विजन ग्रुप बारे कि पता लग गया? मैं सोशल मीडिया से देखा सीगा, इंस्टाग्राम से पेज देखा सी इन्हां दा, फिर उत्थों अपलाई किया, तो मैम ना कॉन्टैक्ट किया तो कीर्ति मैम ना, तो फिर उन्होंने कहा कि विजिट करो एक बार, फिर सर ना मिले, फिर उन्होंने अश्योर किया कि वीज़ा तुहाडा 100% लगेगा, तो फिर असं इतने फाइलिंग स्टार्ट करती। मैम जिवें तुसीं दस्सिया भी तुहाडी 2 रिफ्यूजल्स ने, है ना, तो जब आप सोशल मीडिया से कोई भी चीज़ देखते हैं, अज के टाइम से सोशल मीडिया से काफ़ी फेक चीज़ा भी ने, है ना, तो तीजी बार ये ट्रस्ट करना थोड़ा औखा रहा होना है ना, तो फिर वो थोड़ी जर्नी बारे थोड़ा सानू दसो। जिवें बहुत डिफिकल्ट सीगा, क्योंकि एक तो डर सीगा कि थर्ड टाइम अगर रिफ्यूजल यूके तो आ गई दैन फिर मेरा 10 ईयर का बैन लग जाना सीगा, तो फिर सर ने कॉन्टैक्ट किया, बट ये कहते कि नहीं तुहाडा हो जूगा वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि मेरे अगे परसेंटेज वगैरह सारी वधिया सी, तो इस करके फिर असं इतने अपलाई करता, सर ने पूरा ट्रस्ट किया, सर कहते कि तुहाडा वीज़ा जरूर आऊगा। मैम जिवें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वह बाहर जाना चाहते हैं, है ना, लेकिन पर गैप दे करके ओ किते बाहर जाने की उन्होंने जो सुपना आ वो पूरा नहीं हो रहा, वो कितने ना कि डर रहा रिफ्यूजल तो, है ना, तो तुम सू दस भी थोड़ा 5 साल का गैप है, तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं पर उन्होंने गैप है, उन्होंने बारे उन्होंने तुम की कहना चाहोगे? मैम विजन ग्रुप वाले ने गैप मेरा पूरा क्लीयर करवाता, पहला मैं सगा डर के गैप करके हो सकता रिफ्यूजल ना आ जाए, बट मैम कहने कि नहीं, इन्होंने पूरा क्लीयर करवाता, पूरे लीगल तरीके क्लीयर करवाया, तो करके मेरे कोई इदा का फिर होया नहीं है, तो वीज़ा आ गया फिर मेरे को। मैम जिवें कोई भी सुपना पूरा करने लिए गाइडेंस एक बहुत वड्डिया गाइडेंस की जी लोड़ होंगी है ना, तो थानू मतलब इतने विजन ग्रुप वाले की गाइडेंस किदा दी लगी? गाइडेंस मैम बहुत ज़्यादा वधिया सी, जिदा कदे भी कॉल करनी चाहिए पिक करके दस देंदे सीगे, इंटरव्यू की प्रैपरेशन भी मैम ने खुद करवाई मैनू, तो वह कहते कि नहीं सब वधिया हो जाएगा, तो गाइडेंस मैंने की थी मैम ने पहला उन्होंने को ही असं मिले सके, फिर सर नाल भी बहुत बार असं मिले सके, तो वह कहते नहीं कि तुहाडा हो जूगा सब क्लीयर, तो करके फिर असं इतने ही सारा स्टार्ट किया। मैम होर तुसीं विजन ग्रुप बारे की कहना चाहोगे? यही मैम कहूँगी कि जिन्हें रिफ्यूजल आई हुई है काफ़ी बार, तो जिन्हों का गैप है वो जरूर एक बार विजन ग्रुप में विजिट कर, जितने मेरा उन्होंने वीज़ा दवाया, होप कि सब का वीज़ा लगेगा। थैंक यू मैम। जिवें मैम ने सानू दस्या है कि भावें थोड़ा गैप होवे या फिर होवे रिफ्यूजल, बिना किसी झिझक तो एक बार विजन ग्रुप जरूर विजिट करो, वो थानू बहुत वधिया तरीके नाल गाइड करेंगे। तो होर अपडेट्स लिए देखते रहो द सिटी हैडलाइंस, कैमरामैन प्रिंस के नाल मैम है।